प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना पहुंचकर यहां के लोगों को कई परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इसके साथ ही उन्होंने सिकंदराबाद से तिरुपति के मार्ग पर चलने वाली वंदे भारत को भी रवाना किया। पीएम ने इसके बाद तेलंगाना की जनता को संबोधित भी किया और तेलंगाना के सीएम केसीआर पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीएम केसीआर और उनकी राजनीति पर हमला बोलते हुए तेलंगाना की जनता को आगाह करते हुए कहा कि आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें कि किसी भी प्रदेश के सीएम को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होना होता है, ऐसा अनिवार्य तो नहीं है, लेकिन हाँ, भारतीय सभ्यता तो खैर यही कहती है। लेकिन तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने ऐसा नहीं किया। वो ना तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए और ना ही उनकी अफगानी करने एयरपोर्ट पहुंचे, जो अपने आप में ही सब कुछ कहता है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम मीडिया।